और जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं मेरे खिलाफ, है ना, तो उस चीज़ के बारे में भाई शुरू में मैंने भी इनिशियली ट्राई किया कि चलो जाने देते हैं, आज नहीं, कोई बात नहीं, एक दो दिन में थक के बैठ जाना है सब नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं एक दो दिन में थक जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा, मतलब वो ये तो सर पे पैर रखता है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोर्ट का फैसला जो है वो आ चुका है। कई न्यूज़ चैनल का कहना है कि विवेक और खुशी चौधरी में जो है वो डिवोर्स हो चुका है। फिलहाल जो है खुशी का कहना है कि वो राजा को अपने पास रखेगी, लेकिन जो है वो विवेक चौधरी का परिवार जो है वो राजा को उनको देने को अलो नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि राजा को वो ही रखेंगे, चाहे उन्होंने राजा के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। फिलहाल जो है विवेक की फैमिली खुशी को रखने के लिए तैयार है, लेकिन खुशी उनके साथ रहने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही, क्योंकि खुशी ने जो है विवेक से सच्चा प्यार किया और खुशी ने विवेक को धोखा नहीं दिया। यहाँ पर चीट जो है वो विवेक चौधरी ने किया है। ऐसा इंसान कैसे कर सकता है? जो खुशी अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को एक लड़के के लिए छोड़ देती है, उस पर विश्वास करके, और फिर वही इंसान उसको धोखा देता है, तो एक इंसान पर क्या गुजरती होगी? आखिर विवेक ने ऐसा क्यों किया? विवेक इतना पत्थर दिल इंसान कैसे हो सकता है? वो इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट में दे, वीडियो को शेयर